कल का रिवीजन में बता देता हूँ आपको। थोड़ा सा अपन ने जो पढ़ा था FMS पढ़ा था, फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। ये स्क्रीन दिख रहा है आपको, उम्मीद है स्क्रीन विजिबल टू यू ऑल। सर यस सर, आप लोगों को कोई दिक्कत आए तो मुझे बता दीजिएगा, कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ लीजिएगा, हिंदी इंग्लिश जैसा आप चाहें वैसा पूछ सकते हैं। ओके ओके सर। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम FMS है ना, जैसे फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम। क्या होता है कि आपने कोई मशीन खरीदी और मशीन को आप जो हो तो फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम में फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन होता है, जिसके अंदर अपने मशीन टूल्स को अपन बार बार यूज कर सकते हैं। अगर आपके डिमांड रिक्वायरमेंट चेंज हो गई, जैसे प्रोडक्ट की चेंज हो गई, पहले आपके यहाँ कंप्यूटर आता था, फिर 1 GB RAM, 2 GB RAM, अब आप आजकल लैपटॉप आने लगे, तो ऐसे मार्केट की डिमांड चेंज होती है। फिर मोबाइल आ गए, फिर टैबलेट आ गए, एंड सो एंड सो फोर्थ चेंजेस हो रही, फिर लैपटॉप का एडवांस वर्जन आ गए। सो अगर आपकी चेंजेस हो रहे हैं और आपकी मशीन ने कोई एक प्रोडक्ट बना रही है, तो आपको उसके अंदर ऐसा सिस्टम लगाना पड़ेगा कि वो हालात के हिसाब से चेंज होता रहे, डिमांड और डिजायर के हिसाब से उसके अंदर चेंजेस अलाउड हो जाए। ठीक है, दिस इज अ रिक्वायर्ड कंडीशन, रिक्वायर्ड मैसेज के ऐसा होना चाहिए। ओके नाउ वी हैव अब इसमें ये जैसे आपने मशीन है, मशीन के अंदर ये चेंजेस कर दिए गए, आपकी लेथ मशीन है, यहाँ पर लेथ बेड है, और कोई अपने इतने मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस पॉसिबल हो सकती है, दिस आर चेंजेस आर पॉसिबल हियर। नाउ फीचर्स, इसके फीचर्स जो हैं automated production line by its ability to process more than one product simultaneously at any moment. Each machine in the system may be processing a different part type. FMS can let us make changes in production schedule in order to meet the demands of different products. Okay, now no product style can be reduced into production with FMS. So long as they are to be used on the products that a system can process. This kind of system is therefore ideal when there are likely to be changes in the demands. अब इसके अंदर इतनी सारी जो चेंजेस हो जाते हैं, तो सिस्टम इज देयरफॉर आइडियल हो जाता है अगर आपके अंदर उसके अंदर फ्लेक्सिबल सिस्टम नहीं होता। ठीक है, जैसा मैंने आपको कहा लेथ मशीन में आप मोनोटोनस टाइप के प्रोडक्ट बना सकते हो, लेकिन आपके पास अगर ऑटोमेटिक मशीन है, सीएनसी मशीन है, तो आप उसके अंदर कोई भी प्रोडक्ट बना सकते हो, एनी प्रोडक्ट बना सकते हो। और आजकल तो उसका तोड़ आ गया है कि मैंने आपको जैसे बताया था 3D प्रिंटिंग हो रही है। 3D प्रिंटिंग में आप कोई सा भी प्रोडक्ट कैसे भी बना सकते हो, बस मटेरियल चेंज होना चाहिए। पाउडर मेटलर्जी यूज करके, मेटल यूज करके आप कोई सा भी मटेरियल यूज कर सकते हैं, यू कैन यूज एनी मटेरियल। ओके, सो दिस इज व्हाट द टेक्नोलॉजी इज FMS, 3D प्रिंटिंग जो है FMS है, ये सब जो है टेक्निक्स है, आपकी टेक्नोलॉजी में आ जाएगा ये आपका। ओके Now, इसके अंदर आता है ऑटोमेटिक मटेरियल हैंडलिंग सब सिस्टम लिंक्स मशीन्स इन द सिस्टम एंड प्रोवाइड फॉर ऑटोमेटिक इंटरचेंज ऑफ वर्क पीसेस इन ईच मशीन, ऑटोमेटिक कंटिन्यूअस साइकिलिंग ऑफ इंडिविजुअल मशीन, कंप्लीट कंट्रोल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम बाय होस्ट कंप्यूटर, लाइटली मैंड और पॉसिबल अनमैंड सिस्टम। अब 3 levels of manufacturing flexibility possible है ना, the machine flexibility में the ease with which a machine can process various operations, material handling flexibility a measure of the ease with which different part types
can be transported and properly positioned at various machine tools in a machine system. Now, operation flexibility again, measure of the ease with which alternative operation sequence can be used for processing a part type. So, itne teen cheeze hain iske andar manufacturing flexibility possibility. Machine ka na flexible kar sakta ho, material handling flexible kar sakta ho, operation flexibility kar sakta ho. Ye teen cheeze hain parameters jo hain flexibility iske andar possibility di hai. These are the three possibilities which can be done. Okay. Now we have the system flexibility. System ke andar volume, expansion, routing, process and product. Aapko ye terminology yaad rakhni hai aapko. Everyone, please. And ye photo kheench lo aap aur likhna aana chahiye. Aap iske andar jitna subject mein likh ke aaoge utna pass ho jaoge. Likhne ke liye terminology malum honi chahiye ki kya likhna hai. Koi bhi machine ke andar, maine isse pehle kya bataya, machine ke andar kya kya flexibilities possible hai. Number one, बेसिक फ्लेक्सिबिलिटी मशीन मटेरियल एंड ऑपरेशन. और फिर दूसरी होती है सिस्टम के अंदर क्या क्या पॉसिबल है, वॉल्यूम एक्सपेंशन रूटिंग प्रोसेस प्रोडक्ट. इतने ज्यादा पूरे सिस्टम के अंदर चेंजेस पॉसिबल है. एंड देन एग्रीगेट के अंदर प्रोग्राम चेंज कर दो, प्रोडक्शन चेंज कर दो, मार्केट चेंज करो. मार्केट फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स जो जो मार्केट के हिसाब से जो चेंज हो रहा है आप उसके हिसाब से मार्केट की रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करते जाओ. तो दिस इज दिस. देन मेजर हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स का था वीविंग लूम्स विद पेपर टेप्स, एनसी मशीन्स विद पेपर टेप्स, हार्डवेयर एनसी मशीन्स, कंप्यूटर कंट्रोल मेमोरी कंट्रोल मशीन्स, डायरेक्ट मेमोरी कंट्रोल मशीन्स. तो इतने सारे चीजें इसके अंदर पॉसिबल हैं. देन रोबोटिक्स हो गया, मटेरियल हैंडलिंग ट्रांसपोर्ट हो गया, मशीन्स हो गया, मैनुअल ऑटोमेटेड असेंबली सेल्स, कंप्यूटर्स, कंट्रोलर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क. ये इसके कंपोनेंट्स हो गए. आप लोग सब जानते वाले हैं रोबोटिक्स के अंदर क्या क्या होता है. मैकेनिकल कंपोनेंट्स हो गए आपके, लिंकेजेस हो गए और मैकेनिज्म हो गए आपके, मशीन्स हो गई, कंप्यूटर लगा दी, कंट्रोलर लगा दी, सॉफ्टवेयर चेंज कर दिया आपने, और मटेरियल हैंडलिंग मतलब जिस जो वो ग्रिपर्स होते हैं जो मैंने आपको बताया वो ग्रिपर्स हो गए. तो ये इतनी सारी चीजें हो सकती हैं एक हैंडलिंग के अंदर. आप देखो ये ऐसे मशीन है, ये इतने सारे पार्ट सकते हैं. ये कहीं पे भी जाके एक पार्ट उठाएगा, उठाकर ये पूरा कंप्यूटर सिस्टम है. वक्त के साथ से टाइम के साथ से पूरा चेंज होता जाएगा. ये भारत के कंप्यूटर में सिस्टम सकते हैं. ठीक, अब इसका बेनिफिट्स देख लो आप. बेनिफिट्स ऑफ फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं इसके अंदर. रिड्यूस वर्किंग प्रोसेस, इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन, बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल, डायरेक्ट इनडायरेक्ट लेबर. तो ये इसके कंसिस्टेंट बेटर क्वालिटी, रिड्यूस इन्वेंटरी. इतने सारी चीजें हो सकती हैं. इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन, बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल, रिड्यूस डायरेक्ट एंड डायरेक्ट लेबर, रिड्यूस मैन्युफैक्चरिंग लीड टाइम, कंसिस्टेंट एंड बेटर क्वालिटी, रिड्यूस इन्वेंटरी. सो एंड सो फॉर आर द थिंग्स व्हिच कैन बी डन. इंक्रीज मशीन यूटिलाइजेशन, बेटर मैनेजमेंट कंट्रोल, रिड्यूस डायरेक्ट डायरेक्ट लेबर. इनिशियल कॉस्ट देखा तो बहुत कॉस्टली आती है आपकी. प्री प्लानिंग एक्टिविटी चाहिए इसके लिए बहुत ज्यादा है, और इतनी एक्यूरेट प्लानिंग होनी चाहिए कि आपको मालूम होना चाहिए कि इसके बाद अगर जो चेंजेस हो. आप जैसे अगर आप देखो मोबाइल की दुकान है, लोग जो मोबाइल की दुकान खोल लेते हैं, फिर उसके बाद इतने जल्दी टेक्नोलॉजी चेंज होती है मोबाइल की कि आपको अपडेट करना पड़ता है उसका. देन एबिलिटी टू अडॉप्ट टू चेंजेस इन प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जैक्ट कंपोनेंट, पोजीशनिंग एंड प्रिसाइज टाइमिंग नेसेसरी टू प्रोसेस अ कंपोनेंट. ठीक है, टेक्नोलॉजी प्रॉब्लम्स ऑफ एग्जैक्ट कंपोनेंट, पोजीशनिंग एंड प्रिसाइज टाइमिंग नेसेसरी to process a component. Okay, now future benefits of FMS technology will make 100% inspection feasible. Computer diagnosis will improve the estimation of machine failure and guide work, crews repairing failures, the use of robots that have vision and tactile sensing, minimum human labor in manufacturing system, more sophisticated tools with increased computing, better management software, hardware, fixing techniques, develop standards that will let us install new machines. So, itne sare future benefits hain iske.
मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर होता है, हार्डवेयर होता है, फिक्सिंग टेक्निक्स होती है, डेवलप स्टैंडर्ड्स होते हैं, तो दीज आर द टेक्निक्स फ्यूचर बेनिफिट्स ऑफ एफएमएस सिस्टम्स। ओके, कस्टम बेनिफिट्स और अदर बेनिफिट्स का क्या आता है इसके अंदर? कस्टमर के ऑर्डर्स जैसे जैसे चेंज होते जाते हैं, उनके स्पेसिफिकेशन चेंज होते हैं, पूछने का छोटा लैपटॉप चाहिए, बड़ा लैपटॉप चाहिए, छोटा आइटम चाहिए, छोटा नटबोल्ट चाहिए, बड़ा नटबोल्ट चाहिए, जैसे कस्टमर की डिमांड होती है उसके हिसाब से ये आप मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम या यूनिट जो आपके पास है, जो मशीन है, उसको चेंज कर सकते हैं। ओके, देन डिफरेंस बिटवीन एफएमएस एंड एफएमसी में क्या डिफरेंस है आपका? एच फोर और मोर मशीन, इसके अंदर टू और थ्री मशीन होती है। एफएमसी के अंदर लार्जर एंड मोर सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर कंट्रोल, इसका सिंपलर होता है, एंड देन लिमिटेड एरर रिकवरी होती है, और वीयूआई इफेक्ट ऑफ मिनिमाइज मशीन ब्रेक। We need to keep in mind what Peter Drucker said. We must become managers of technology, not merely users of technology. ये बहुत बड़ी बात लिखी है इन्होंने। आपको टेक्नोलॉजी को मैनेज करना चाहिए, ना कि उसके यूजर बनना चाहिए। जो अपन ये टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं ना, इसके इसको मैनेज करना भी आना चाहिए। ये जो आपकी टेक्नोलॉजी अभी चल रही है, आप जूम टेक्नोलॉजी है, ऐसा ना हो कि आपने जूम यूज किया और आपको पूरा डाटा ही चला गया, आपका पूरा बैंक बैलेंस खाली हो गया, ऐसा ना हो। इसके सिंपल मेयर यूजर नहीं होना है, ठीक है? एवरीवन गेटिंग माय पॉइंट? यस और नो बोलिए। कौन कौन ये सब सो रहे हैं? यस सर, फैजान, यस सर। हमको मैनेजर बनना है टेक्नोलॉजी का, उसका यूजर नहीं बनना है। यस सर। कितने लोग पबजी खेलते थे? यस सर। ये छोड़ने वाला नहीं है ये लोग, ठीक है? आज के लिए इतना ही बहुत है। Yes, sir.